हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ आकाश उत्तम और आज मैं आपको क्लास 10 के मैथ आरएस अग्रवाल से एक्सरसाइज 2B पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक का सोल्यूशन कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप आरएस अग्रवाल के फुल कोर्स का सोल्यूशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज मिलता रहे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में कोई डाउट हो तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सोल्यूशन पहले ही अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 2B। तो देखिए, हमें यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू दिया गया है x² - 2। तो इसे लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x - 3 एंड जी एक्स इक्वल टू x² - 2। अब हम लोग इस जी एक्स वाले टर्म से इस एफ एक्स वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो इस बात को ध्यान में रखें कि ये जो जी एक्स वाला टर्म है इसमें आप ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो एफ एक्स दिख रहे हैं इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो सोचिए कि x² - 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एफ एक्स वाले फर्स्ट टर्म को यानी कि एक्स क्यूब को कैंसिल कर दे। तो देखिए, अगर हम लोग x² - 2 में से एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, x² - x = कितना आ जाएगा x³ एंड -2 * x = कितना आ जाएगा -2x। अब यहाँ पे देखिए, -2x को मैंने 5x के सामने में लिखा है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा कन्वीनियंस होगा। तो चलिए अब इसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए, x³ एंड x³ कैंसिल हो जाएगा एंड ये -2x क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक नेगेटिव नंबर को अगेन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि -(-2x) कितना हो जाएगा, 2x। एंड यहाँ पे देखिए, ये क्या था x³, इसे सब्ट्रैक्ट जैसे कि ये हो गया नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव नंबर हो गया इसलिए इसे कैंसिल कर दिए। तो हमारे बचे हुए टर्म्स क्या हैं, -3x² एंड यहाँ पे देखिए 5x एंड 2x क्या हो जाएगा, 7x एंड ये -3। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और इस जी एक्स में से क्या मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो देखिए, x² - 2 में से अगर हम लोग -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3x² एंड -2 * -3 कितना हो जाएगा, +6। अगेन हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन रिवर्स हो जाएगा एंड ये 3x² एंड 3x² कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे बचे हुए टर्म्स क्या हो जाएंगे, 7x एंड यहाँ पे देखिए -3 एंड -6 ऐड होकर कितना हो जाएगा, -9। अब इसके आगे इसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए, ये जो हमारा डिवाइजर है इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका जो पावर है वो क्या है, रिमाइंडर से बड़ा है, इसलिए हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए 7x - 9 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। एंड हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने का आ गया था, कोशियंट एंड रिमाइंडर। तो देखिए, कोशियंट qx = हमारा कितना आ गया, x - 3 एंड रिमाइंडर rx = कितना आ गया हमारा, 7x - 9। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स वाले टर्म्स दिए हुए हैं तो इसे हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, x^4 - 3x² प्लस 4x + 5 एंड यहाँ पे देखिए जो जी एक्स वाला टर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा जी एक्स क्या हो जाएगा, x² - x+1। अब हम लोग इस जी एक्स वाले टर्म से इस एफ एक्स वाले टर्म को डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया था कि जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो इस बात को ध्यान में रखें कि ये जो जी एक्स वाला टर्म है इसमें आप ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये एफ एक्स वाले फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर दे। तो देखिए, अगर हम लोग x² - x+1 में x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² * x² क्या हो जाएगा, x^4 -x * x² क्या हो जाएगा, -x³ एंड +1 * x² क्या हो जाएगा, +x². अब हम लोग यहाँ पे इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये साइन चेंज कर जाएगा एंड यहाँ पे देखिए x^4 - x^4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए, ये जो बचे हुए टर्म्स हैं इसमें से कोई भी टर्म क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो चलिए इस बचे हुए टर्म्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो जब आप बचे हुए टर्म्स को लिख रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखें कि सबसे पहले आपको उस टर्म को लिखना है जिसका पावर हाइयर हो। तो देखिए, यहाँ पे हाइयर पावर वाला कौन सा टर्म है, x³। तो पहले हमने x³ को लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पे -3x² एंड यहाँ पे -x² ऐड हो जाएगा तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -4x² एंड यहाँ पे देखिए +4x एंड ये +5। अब अगेन हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि इस जी एक्स वाले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो देखिए, हम लोग अगर x² - x+1 में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x² - x³ - x² + 1 + x + x। अगेन हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन रिवर्स हो जाएगा एंड ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या टर्म्स बच जाएंगे, -4x² + x² कितना हो जाएगा, -3x² + 4x एंड ये -x कितना हो जाएगा, 3x एंड ये +5। अगेन देखिए, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जी एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें
ये फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर दे। तो देखिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स, एंड ये प्लस वन इंटू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर ये निगेटिव में एक है एक पॉजिटिव में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन यहाँ पे थ्री एक्स एंड माइनस थ्री एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचे हुए टर्म्स हैं वो क्या है, फाइव एंड प्लस थ्री कितना हो जाएगा, एट। देयरफॉर हमारा जो कोसिएंट है क्यू एक्स वो कितना आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, एंड जो हमारा रिमाइंडर है आर एक्स वो कितना आ गया, एट। क्वेश्चन नंबर एट, देखिए हमें यहाँ पे एफ एक्स एंड जे एक्स वाले टर्म्स दिए हुए हैं तो एक बार हम लोग इसे लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एंड जे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब हम लोग यहाँ पे जे एक्स वाले टर्म से क्या करेंगे, एफ एक्स वाले टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये देखें कि ये जो जे एक्स वाला टर्म है इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एफ एक्स वाले फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर दे। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू में अगर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स टू द पावर फोर, एंड ये प्लस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये साइन रिवर्स होगा एंड एक्स टू द पावर फोर एंड माइनस एक्स टू द पावर फोर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या टर्म्स बच जाएंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब हम लोग अगेन देखेंगे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो देखिए अगर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू में माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस टू मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर एंड ये प्लस टू इंटू माइनस टू मल्टीप्लाई होकर माइनस फोर मिल जाएगा हमें। अगेन हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन रिवर्स हो जाएगा एंड ये टू एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे बचे हुए टर्म्स क्या हैं, माइनस फाइव एक्स एंड यहाँ पे देखिए प्लस सिक्स एंड ये प्लस फोर कितना हो जाएगा, प्लस टेन। देयरफॉर हमारा जो कोसिएंट है क्यू एक्स वो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, एंड जो हमारा रिमाइंडर आर एक्स है वो कितना हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। क्वेश्चन नंबर नाइन, देखिए हमें यहाँ पे कहा गया है बाय एक्चुअल डिवीजन सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ टू एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस ट्वेल्व। तो आप जरा सोचिए कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ये जो गिवन टर्म है इसका फैक्टर कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री क्या करेगा, इस टर्म को पूरे तरह से कैंसिल कर देगा, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो जीरो होगा, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इसका फैक्टर होगा। तो चलिए हम लोग इसे डिवाइड देते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस ट्वेल्व, एंड जे एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब हम लोग जे एक्स वाले टर्म से इस एफ एक्स वाले टर्म को डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमारा जे एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब जरा सा आप सोचिए कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे टू एक्स टू द पावर फोर आ जाए। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स टू द पावर फोर, एंड माइनस थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन रिवर्स होगा एंड ये टू एक्स टू द पावर फोर एंड ये माइनस टू एक्स टू द पावर फोर कैंसिल हो जाएगा और हमारे टर्म्स क्या बच जाएंगे, थ्री एक्स क्यूब एंड यहाँ पे देखिए माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड ये प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करें ये आपको मिल जाएगा प्लस फोर एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस नाइन एक्स माइनस ट्वेल्व। अगेन आप लोग देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये थ्री एक्स क्यूब यानी कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो देखिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स क्यूब एंड यहाँ पे देखिए माइनस थ्री इंटू थ्री एक्स कितना हो जाएगा, माइनस नाइन एक्स। अब देखिए हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे थ्री एक्स क्यूब एंड माइनस थ्री एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस नाइन एक्स एंड प्लस नाइन एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हुए टर्म्स हमारे क्या हैं, फोर एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस ट्वेल्व। तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इस जेक्स वाले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये फोर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में अगर हम लोग फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू फोर क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस थ्री इंटू फोर क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व। तो देखिए अब इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारा रिमाइंडर कितना जाएगा, जीरो। देयरफॉर वी कैन से व्हेन वी डिवाइड टू एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस ट्वेल्व बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वी गेट जीरो एज रिमाइंडर। हैंस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ टू एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स। क्वेश्चन नंबर टेन, ऑन डिवाइडिंग थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव बाय अ पॉलीनोमियल जी एक्स द कोसिएंट एंड रिमाइंडर आर थ्री एक्स माइनस फाइव एंड नाइन एक्स प्लस टेन रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर टेन में एक पॉलीनोमियल दे दिया गया है और इसके कोसिएंट एंड रिमाइंडर्स भी दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे फाइंड करना है जी एक्स। तो जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, एंड कोसिएंट क्यू एक्स कितना दिया हुआ है, थ्री एक्स माइनस फाइव, रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है नाइन एक्स प्लस टेन।
वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, कोसिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या दिया हुआ है, थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। एंड कोसिएंट भी हमें दिया हुआ है, कितना है, थ्री एक्स माइनस फाइव जी एक्स हमें फाइंड करना है। एंड यहाँ पे देखिए रिमाइंडर भी दिया हुआ है, नाइन एक्स प्लस टेन, तो इसे भी हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू, इस नाइन एक्स प्लस टेन को क्या करेंगे, इक्वल्स के इधर लेते आएंगे इस टर्म में, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा, थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव माइनस नाइन एक्स माइनस टेन, या जी एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू लिख सकते हैं थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखिए टू एक्स एंड ये माइनस नाइन एक्स, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस सेवन एक्स। एंड ये फाइव माइनस टेन को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको माइनस फाइव, या लिख सकते हैं जी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव बाई थ्री एक्स माइनस फाइव। यहाँ पे देखिए थ्री एक्स माइनस फाइव वाला टर्म जी एक्स में मल्टीप्लाई था, तो इसको इक्वल्स के इधर लाए तो ये डिनोमिनेटर बन गया। अब आप सिंपल सा क्या करें, इस थ्री एक्स माइनस फाइव से ये जो थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव है, इसे आप डिवाइड कर दें, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कोसियंट मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और ये जो कोसियंट आपको मिला ये क्या हो जाएगा, जी एक्स। हैंस जी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। क्वेश्चन नंबर इलेवन, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलीनोमियल्स एफ एक्स इक्वल टू एट प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू टू प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस एट, एंड जी एक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। अब आप इस जी एक्स वाले टर्म से इस एफ एक्स वाले टर्म को डिवाइड कर लें तो आपको कोसिएंट मिल जाएगा टू एक्स प्लस थ्री एंड रिमाइंडर मिल जाएगा एक्स प्लस टू। तो चलिए अब हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिदम का। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो क्यू एक्स इंटू जे एक्स प्लस आर एक्स है, इसके टर्म्स को यहाँ पे पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले जी एक्स को लिख दिया है, तो ये कितना है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू, एंड ये इंटू क्यू एक्स कितना है टू एक्स प्लस थ्री प्लस रिमाइंडर वाला टर्म एक्स प्लस टू। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा प्लस फोर एक्स। अगेन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू थ्री क्या हो जाएगा माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इंटू थ्री क्या हो जाएगा प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा प्लस सिक्स एंड ये प्लस एक्स प्लस टू। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा माइनस सिक्स एक्स क्यूब एंड यहाँ पे देखिए टेन एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे है माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस एक्स, इसे आप ऐड कर दें तो आपको मिलेगा प्लस ट्वेंटी एक्स एंड ये सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा प्लस एट। तो देखिए जो हमारा एफ एक्स वाला टर्म गिवेन था वही क्या आ गया क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स आ गया, यानी कि एफ एक्स हमारा क्या आ गया माइनस सिक्स एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस एट, हैंस द डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज गिवन दैट माइनस वन इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। हमें यहाँ पे एक पॉलीनोमियल दिया गया है और ये भी दिया गया कि माइनस वन इसका एक जीरो है और जो इसके अदर जीरोज हैं वो फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व, सिंस माइनस वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स। देखिए यहाँ पे माइनस वन क्या है, इस पॉलीनोमियल का एक जीरो है, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स, इसलिए एक्स प्लस वन क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए एक्स प्लस वन अगर एक फैक्टर होगा तभी क्या होगा माइनस वन इसका एक जीरो होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स जब फाइंड करते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन। तो चलिए अब एक्स प्लस वन से ये जो हमारा गिवन पॉलीनोमियल है इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आप एक्स प्लस वन से एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व को डिवाइड कीजिएगा तो आपको कोसिएंट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं हमारा एफ एक्स वाला टर्म क्या है, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू ये कोसिएंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए एफ एक्स हमारा क्या है डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोसिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है ये क्या है एक्स प्लस वन, कोसिएंट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व एंड रिमाइंडर क्या है जीरो। तो देखिए यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व वाले टर्म का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेना है तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वन इंटू ये टर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व, या लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स से एक्स को कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा एक्स प्लस फोर
यानी यहाँ पे माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व से माइनस थ्री को कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस फोर। या लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू ये जो कॉमन टर्म है एक्स प्लस फोर, इसे हमने लिख लिया, एंड ये जो दूसरा टर्म है एक्स माइनस थ्री इसे भी लिख लिया। देयरफॉर लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें यहाँ से जीरो जो द पॉलीनोमियल फाइंड करना है। या लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब हमें यहाँ से देखिए एक्स के वैल्यूज मिल जाएंगे, तो चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। वैन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट एक्स इक्वल टू माइनस वन। वैन एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो देन वी गेट एक्स इक्वल टू माइनस फोर। वैन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो देन वी गेट एक्स इक्वल टू थ्री। देयरफॉर ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या मिल गया हमें, माइनस वन माइनस फोर एंड थ्री। देखिए मैंने यहाँ पे एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लेके एक्स इक्वल टू माइनस वन फाइंड किया है। आप इसे नहीं भी फाइंड करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस वन क्या क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एक जीरो है गिवन पॉलीनोमियल का। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, इफ वन एंड माइनस टू आर टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में वन एंड माइनस टू इस गिवन पॉलीनोमियल के दो जीरो दिए हुए हैं और इसके थर्ड जीरो को फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं जो गिवन है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। अब देखिए वन एंड माइनस टू क्या है, इस गिवन पॉलीनोमियल के दो जीरोज हैं। देयरफॉर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड एक्स इंटू टू क्या हो जाएगा टू एक्स, अगेन माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, एंड माइनस वन इंटू टू क्या हो जाएगा माइनस टू। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड ये माइनस एक्स, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा एक्स एंड ये माइनस टू। अब देखिए ये जो सॉल्व होकर आया तो ये भी क्या हो जाएगा बी द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब क्या करना है आपको, ये जो एफ एक्स वाला टर्म है इसको आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से डिवाइड कर देना है। तो चलिए इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए जब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से इस एफ एक्स वाले टर्म को डिवाइड कीजिएगा तो आपको कोसेंट मिल जाएगा एक्स माइनस फाइव, एंड इसी कोसेंट से आपको थर्ड जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल भी मिल जाएगा। या लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमें यहाँ से क्या करना है, सिर्फ थर्ड जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल फाइंड करना है, क्योंकि टू जीरो जिसके ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर थर्ड जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, या यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना फाइंड हो जाएगा हमारा फाइव, और यही हो जाएगा थर्ड जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। क्वेश्चन नंबर 14, इफ थ्री एंड माइनस थ्री आर टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। देखिए हमें यहाँ पे एक पॉलीनोमियल दिया गया है, इसके दो जीरोज भी दिए गए हैं, एंड हमें यहाँ पे कहा गया है इसके जो अदर जीरोज हैं वो फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन। अब देखिए थ्री एंड माइनस थ्री इस गिवन पॉलीनोमियल के दो जीरोज हैं, इसलिए एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसे दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके, या तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पे ब्रेक करके, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन क्या होगा, इसका फैक्टर्स होगा। अब आपको करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन से एफ एक्स वाले इस टर्म को डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए आपको कोसेंट मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। या लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक्स को हमने ब्रेक किया हुआ है टू एक्स माइनस एक्स में, एंड ये माइनस टू। या लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स से एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस टू, एंड माइनस एक्स माइनस टू से माइनस वन को कॉमन कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स प्लस टू। या लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू ये जो कॉमन टर्म है हमारा एक्स प्लस टू इसे लिख लिया, और ये जो दूसरा टर्म है एक्स माइनस वन इसे भी लिख लिया। तो देखिए अगर आप एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री से दो जीरो फाइंड करते हैं तो ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें जीरोज कहाँ से फाइंड करने हैं, एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस वन से। देयरफॉर अदर जीरोज विल बी व्हेन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो देन वी गेट एक्स इक्वल टू माइनस टू, एंड व्हेन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट एक्स इक्वल टू वन। देयरफॉर ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या हो जाएंगे, थ्री माइनस थ्री माइनस टू एंड वन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ टू एंड माइनस टू आर टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस थर्टी फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टेन फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें टू एंड माइनस टू दो जीरो दिए हुए हैं इस पॉलीनोमियल के, और फिर जो अदर जीरोज हैं इसके वो फाइंड करने बोला गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही सेम है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स दिया हुआ है इसे आप लिख लें, सिंस टू एंड माइनस टू आर टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस थर्टी फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टेन। देयरफॉर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू क्या हो जाएंगे, एफ एक्स के दो फैक्टर हो जाएंगे। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसे आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए,
या फिर इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एंड ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है ये क्या हो जाएगा, विल बी द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अब आप एक्स स्क्वायर माइनस फोर से ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसे आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपको कोसेंट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थर्टी। देयरफॉर लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थर्टी। तो देखिए अब आपको करना क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थर्टी वाला टर्म है इसे आप मिड टर्म फैक्टराइज कर लीजिए। तो अब लिख सकते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स को हमने ब्रेक किया हुआ है सिक्स एक्स एंड माइनस फाइव एक्स में, एंड ये माइनस थर्टी, या लिख सकते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स से हम लोग एक्स को कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा एक्स प्लस सिक्स, एंड माइनस फाइव एक्स एंड माइनस थर्टी से हम लोग अगर माइनस फाइव को कॉमन कर लेते हैं तो ये भी बच जाएगा एक्स प्लस सिक्स, या लिख सकते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू, यहाँ पे देखिए ये जो एक्स प्लस सिक्स ये हमारा यहाँ पे कॉमन टर्म है तो इसे हमने लिख लिया, इंटू ये जो दूसरा टर्म है एक्स माइनस फाइव इसे भी लिख लिया, इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमें यहाँ से जीरो जो पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। तो देखिए अगर आप एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू से दो जीरो फाइंड करते हैं तो ये आपको मिलेंगे प्लस टू एंड माइनस टू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें अदर जीरो फाइंड कहाँ से करना है, एक्स प्लस सिक्स एंड एक्स माइनस फाइव से। देयरफॉर अदर जीरो विल बी व्हेन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, एंड व्हेन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट एक्स इक्वल टू फाइव। देयरफॉर ऑल द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या हो जाएंगे, टू माइनस टू माइनस सिक्स एंड फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, फाइंड ऑल द जीरो ऑफ x टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्सटी इफ इट इज गिवेन दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री। हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके दो जीरोज भी दिए गए हैं, एंड फाइंड करने के लिए कहा गया है कि इसके जो भी अदर जीरोज हैं वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए एफ एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्सटी। अब देखिए सिंस रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री क्या है, इसके दो जीरोज हैं एफ एक्स के, देयरफॉर एक्स माइनस रूट थ्री एंड एक्स प्लस रूट थ्री क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे बेस्ड है तो इसे ब्रेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एंड ये भी क्या हो जाएगा विल बी द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से एफ एक्स वाले इस टर्म को डिवाइड कर लीजिए तो आपको कोसेंट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी। देयरफॉर लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी। अब देखिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी का यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेना है, तो आप हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने यहाँ पे देखिए फाइव एक्स एंड माइनस फोर एक्स में ब्रेक किया हुआ है तो इसे लिख दिया प्लस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स एंड ये माइनस ट्वेंटी। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एंड फाइव एक्स में से एक्स कॉमन है तो इसे कॉमन ले लिया, अब ये बच जाएगा एक्स प्लस फाइव एंड माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी में माइनस फोर कॉमन है तो इसे भी यहाँ पे कॉमन ले लिया, अब ये टर्म बच जाएगा एक्स प्लस फाइव। या लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू ये जो कॉमन टर्म है एक्स प्लस फाइव इसे लिख लिया, एंड ये दूसरा टर्म यानी कि अनकॉमन टर्म ये कितना है एक्स माइनस फोर तो इसे भी लिख दिया। तो देखिए अगर आप एक्स माइनस रूट थ्री एंड एक्स प्लस रूट थ्री को सॉल्व करके यहाँ से एक्स के वैल्यूज लाते हैं, दो वैल्यूज आएंगे, तो ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको फाइंड कहाँ से करना है, यहाँ से x प्लस फाइव एंड x माइनस फोर से, यहाँ से आपको दो अदर जीरोज फाइंड करने हैं। देयरफॉर अदर टू जीरोज क्या हो जाएंगे, व्हेन x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो होगा देन x इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस फाइव, एंड व्हेन x माइनस फोर इक्वल टू जीरो होगा देन x इक्वल टू फोर, हैंस ऑल द जीरोज ऑफ एफ एक्स क्या मिल गया हमें, रूट थ्री माइनस रूट थ्री फोर एंड माइनस फाइव। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ टू एक्स टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री इट बीन गिवेन दैट टू ऑफ इट्स जीरो रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री। देखिए हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके दो जीरोज भी दिए गए हैं, एंड हमें यहाँ पे कहा गया है फाइंड करने के लिए जो इसके अदर जीरोज हैं, तो जो गिवन डेटा है उसे हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री। अब देखिए सिंस रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री के हैं दो जीरोज हैं एफ एक्स के, देयरफॉर एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पे बेस्ड है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आया ये क्या हो जाएगा विल बी द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब आप ये जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आया इसे आप इस एफ एक्स वाले टर्म को डिवाइड कर दीजिए तो आपको कोसेंट मिल जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन।
देयरफॉर लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब आप यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लीजिए, या लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ पे देखिए हमने माइनस थ्री एक्स को ब्रेक कर दिया है माइनस टू एक्स माइनस एक्स में, या लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू, अब देखिए यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू एक्स में से अगर टू एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो ये टर्म हमारा बचाएगा एक्स माइनस वन, एंड माइनस एक्स प्लस वन में माइनस वन को कॉमन कर लेते हैं तो ये भी बचाएगा एक्स माइनस वन, या लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू, ये जो हमारा कॉमन टर्म है इसे लिख लिया एक्स माइनस वन, एंड जो दूसरा ये अनकॉमन टर्म है टू एक्स माइनस वन इसे भी लिख लिया। अब देखिए अगर आप एक्स माइनस रूट थ्री एंड एक्स प्लस रूट थ्री से दो जीरोज फाइंड करते हैं तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो हम लोग दो अदर जीरोज कहां से फाइंड करेंगे, यहां से x माइनस वन एंड टू एक्स माइनस वन से। देयरफॉर अदर टू जीरोज हमारे क्या हो जाएंगे, व्हेन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देन टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, एंड वी गेट x इक्वल टू वन बाई टू, एंड व्हेन x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट x इक्वल टू वन, हैंस ऑल द जीरोज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएंगे रूट थ्री माइनस रूट थ्री वन एंड वन बाई टू। क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ x टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस फिफ्टीन इफ इट्स जीरोज आर रूट फाइव एंड माइनस रूट फाइव। देखिए यहाँ पे एक पॉलीनोमियल दिया गया है, इसके दो जीरोज भी दिए गए हैं, एंड हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है इसके जो अदर जीरोज हैं, तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस फिफ्टीन। सिंस रूट फाइव एंड माइनस रूट फाइव आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर एक्स माइनस रूट फाइव इंटू एक्स प्लस रूट फाइव क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसे आप ब्रेक कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस फाइव। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है ये क्या हो जाएगा विल बी द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है इसे आप एफ एक्स वाले टर्म को डिवाइड कर लीजिए, तो आपको कोसिन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस रूट फाइव इंटू एक्स प्लस रूट फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेना है, या लिख सकते हैं x माइनस रूट फाइव इंटू एक्स प्लस रूट फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 4x को हमने ब्रेक किया हुआ है x प्लस थ्री एक्स में एंड ये प्लस थ्री, या लिख सकते हैं x माइनस रूट फाइव इंटू एक्स प्लस रूट फाइव इंटू, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से x को कॉमन कर लिए तो ये बच जाएगा x प्लस वन, एंड प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री में थ्री को कॉमन कर लिए तो ये भी बच जाएगा x प्लस वन, या लिख सकते हैं x माइनस रूट फाइव इंटू एक्स प्लस रूट फाइव इंटू, ये जो हमारा कॉमन टर्म है इसे लिख लिया x प्लस वन, एंड ये जो अनकॉमन टर्म है x प्लस थ्री इसे भी हमने लिख लिया। तो देखिए अगर आप x माइनस रूट फाइव एंड x प्लस रूट फाइव से दो जीरो फाइंड करते हैं तो आपको मिलेंगे रूट फाइव एंड माइनस रूट फाइव, तो ये आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें तो अदर जीरो फाइंड कहाँ से करने हैं x प्लस वन एंड x प्लस थ्री से। देयरफॉर टू अदर जीरोज हमारे क्या हो जाएंगे, व्हेन x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट x इक्वल टू माइनस वन, एंड व्हेन x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट x इक्वल टू माइनस थ्री, हैंस ऑल द जीरोज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएंगे रूट फाइव माइनस रूट फाइव माइनस वन एंड माइनस थ्री। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल 2x टू द पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7, इट बीइंग गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक पॉलीनोमियल दिया गया है, इसके दो जीरोज भी दिए गए हैं, एंड कहा यह गया कि इसके जो अदर जीरोज हैं इस पॉलीनोमियल की जो अदर जीरोज हैं ये हमें फाइंड करना है, तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x टू द पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7। सिंस 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 आर टू जीरोज ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर एक्स माइनस ऑफ थ्री प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस ऑफ थ्री माइनस रूट टू क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स माइनस थ्री माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस रूट टू। अब देखिए इसे हम लोग फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ भी एक्स माइनस थ्री है एंड यहाँ भी एक्स माइनस थ्री है एंड ये इंटू में है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखिए माइनस रूट टू है एंड यहाँ पे रूट टू है और ये भी इंटू में है, तो इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ रूट टू का स्क्वायर। अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो इसे ब्रेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर, एंड ये माइनस रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस टू, तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू थ्री कितना हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, एंड ये माइनस टू इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये मिल जाएगा प्लस सेवन, या हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन विल बी द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन से इस पॉलीनोमियल जो गिवन पॉलीनोमियल वाला टर्म है इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कीजिएगा तो आपको कोसाइन मिल जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस रूट टू इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। देखिए आपको यहाँ पे
टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेना है, या लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस रूट टू इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने ब्रेक किया हुआ है टू एक्स माइनस एक्स में एंड ये माइनस वन, या लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस रूट टू इंटू अब टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स से टू एक्स को कॉमन कर लीजिए तो ये बच जाएगा एक्स प्लस वन, एंड माइनस एक्स माइनस वन से माइनस वन को कॉमन कर लीजिए तो ये भी बच जाएगा एक्स प्लस वन, या लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस वन, ये जो कॉमन टर्म था इसे मैंने ले लिया, एंड जो ये दूसरा टर्म है टू एक्स माइनस वन इसे भी ले लिया। अब देखिए अगर आप एक्स माइनस थ्री माइनस रूट टू एंड एक्स माइनस थ्री प्लस रूट टू से दो जीरोज फाइंड करते हैं तो ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमको जीरोज कहाँ से फाइंड करना है, एक्स प्लस वन एंड टू एक्स माइनस वन से। देयरफॉर अदर जीरोज हमारे क्या हो जाएंगे, व्हेन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट एक्स इक्वल टू माइनस वन, एंड व्हेन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देन टू एक्स इक्वल टू वन एंड वी गेट एक्स इक्वल टू वन बाई टू। देयरफॉर ऑल जीरोज आर थ्री प्लस रूट टू, थ्री माइनस रूट टू, माइनस वन एंड वन बाई टू।